उद्देश्य था कि जो 370 और 35 ए जिसका खात्मा आज से ठीक एक वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, उसके जो है वो जम्मू को और जम्मू कश्मीर को क्या लाभ हुए। आप सबने परसों का डेली एक्सेलसियर का पेपर शायद पढ़ा होगा, उसमें चीफ सेक्रेटरी का एक लंबा सा स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने ओपनली जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए जो करप्शन के केसेस थे उनके बारे में जो है वो जिक्र किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने वो बहुत बड़ी बात जो है वो उसमें लिखी थी कि डॉक्टर जो है वो नौकरी कर रहे हैं विदेश में, वो सैलरी ले रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा जो है वो करप्शन का जो सिस्टम था वो यहाँ जो है वो चल रहा। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। आज से ठीक एक वर्ष पहले जब ये 370 और 35 टूटी, इससे पहले आपने देखा होगा कई हमारे जो श्रीनगर के नेता थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी ऐसे दिए कि अगर 370 टूट जाएगा तो यहाँ पर कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, अगर 370 टूट जाएगा तो प्रलय आ जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। आपने देखा होगा आज पूरा एक वर्ष हो गया टूटे हुए, एक भी आदमी वहां जो गोली है उसे मारा नहीं गया पुलिस की। स्टोन पेंटिंग जो है उसकी इंसिडेंट जो है वो जीरो के बराबर है। ये सब जो है एक प्लानिंग के तहत जो है वो होता था। जब से ये 370 टूटी है इसके बाद जो हमारा ये जो कहते हैं तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा कि इस बार कश्मीर में भी जो है वो तिरंगा झंडा जो है वो खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ जो है वो लहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे वरिष्ठ नेता किया गया। अच्छा लगा कि आज मंच के अलावा आम जनमानस में भी दो चार लोगों ने अपनी बात रखी, सीओ साहब ने भी अपनी बात रखी, कुछ कमियां जो रह गई उनके बारे में भी बताया कि शेष नेतृत्व से बात करके हम जो कमियां रह गई हैं उसको सुधार लाने की कोशिश करें। पादा साहब ने कहा कि जो विशेष समुदाय लगभग 70 साल से वंचित थे आज उनको जो लाभ हुआ है, हम इस बात को लाभ ना कहते हुए ये कहें कि उनको माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मेन स्ट्रीम में लाया है, ये बात आपकी हमें अच्छी लगी। 35 के धराशायी होने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या बदलाव देखा आज उसके ऊपर हम चर्चा करने यहाँ पे। मंडल के अध्यक्ष केशव जी, हमारी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर यहाँ की नीलम जी, राजेश गुप्ता जी, यशपाल जी, निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष 370 को लेकर 35 ए को लेकर उसके आने का समय, उसके जाने का और एक साल का पूरा समय अंतराल गुजरने के बाद की चर्चा आप लोगों के माध्यम से भी और मंच पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनके माध्यम से हुई। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी स्टेट जो थी केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियां जो थी शामिल हर जगह चंगी माली कला शामिल होते शुक्रिया करता हूं इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिसने जिसने भी कुछ याद करने में बड़ा की किया है आज का प्रोग्राम था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आज वार्ड नंबर 40 में पार्टी की तरफ से 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद एक वर्ष का जो अंतराल 5 अगस्त 2020 को जो है पूरा हुआ था, 5 अगस्त से लेकर और 20 तक लगभग 15 दिन का जो समय है पार्टी की तरफ से जनसंवाद लोगों के बीच में जाकर 370 और 35 से हटने के फ़ायदे आम समाज को जिस तरीके से फ़ायदा हुआ है, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज था, चाहे वो हमारा गोरखा समाज था, चाहे वो POJK के ऐसे नागरिक जो जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं हुए या हमारे वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी थे या हमारे कश्मीरी कुछ माइग्रेंट थे, सभी इस समाज को जो है जो बेनिफिट्स हुए हैं। और एक साल के अंतराल के बाद जिस तरीके से
टेररिज्म में जो है वो कश्मीर में कमी आई है और हमारे सुरक्षा बलों का, हमारे इंडियन आर्मी का जो हौसला बुलंद हुआ है, उसी विषय को लेकर आज आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर नीलम जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष केशव जी और सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, आम जो बुद्धिजीवी भी थे, आज सब साथ में थे और सब ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी है नीचे। इस ग्रुप्स को जो जो लोग भी आज यहाँ थे, चाहे वो बुद्धिजीवी थे, नीचे ग्रुप्स में जाकर इस 370 और 35 से हटने की कितना फ़ायदा हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर है, चाहे वो आतंकवाद में कमी को लेकर है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर है, या किसी भी मुद्दे में जिस तरीके से बेनिफिट हुए हैं लोगों के बीच में जाकर उनको जन जागरण के नाते से बताना, इस विषय को लेकर भी जो है वो चर्चा हुई। जय भारत, जय हिंद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए